सो कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज जंप स्टेटमेंट्स. नाउ जंप स्टेटमेंट्स हम यूज करते हैं बेसिकली लूप्स में, आउट ऑफ द लूप, सो दैट के कहीं पे भी अगर कोई ऐसा कंडीशन आया तो वहां से हम एक जंप ले सकते हैं, जब वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो. तो अपने पास दो जंप स्टेटमेंट्स अवेलेबल है, दैट इज ब्रेक एंड कंटिन्यू. ब्रेक स्टेटमेंट बेसिकली यूज होता है जब हम कोई भी कंडीशन लिखते हैं या कुछ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने के बाद, आई वॉन्ट कि अगर ये कंडीशन इट हैज मेट देन उसके नीचे स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होने की जरूरत नहीं है. इट विल डायरेक्टली ब्रेक आउट फ्रॉम दैट लूप एंड कम आउट टू दिस स्टेटमेंट्स. तो व्हाइल कंडीशन लिखा है, ये एग्जीक्यूशन हो गया, उसमें एक और कंडीशन लिखा है, अगर ये कंडीशन ट्रू है देन आई हैव रिटन ब्रेक कीवर्ड, व्हिच मींस अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है, ट्रू होता है, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं पे वो स्टॉप करेगा, यानी इस व्हाइल लूप का एग्जीक्यूशन वो यहीं पे स्टॉप करेगा. इट विल कम आउट ऑफ द लूप एंड इट विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स. वेयर एज कंटिन्यू का क्या होता है, कंटिन्यू इज बेसिकली या अनदर स्टेटमेंट लाइक ब्रेक एज बोथ द स्टेटमेंट स्किप ओवर अ पार्ट ऑफ द कोड. अभी ब्रेक में भी क्या होता है कि जब हम ब्रेक लिखते हैं तो वो कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद लूप के बाहर आ जाता है, तो वो बाकी का स्टेटमेंट स्किप कर देता है. सिमिलरली कंटिन्यू स्टेटमेंट के साथ है, बट कंटिन्यू स्टेटमेंट सिर्फ एक आइट्रेशन को स्किप करता है. जैसे अभी हमने लास्ट प्रोग्राम में देखा था, इवन ऑड वाले में, कि हमने टोटल ऐसे 5 iterations लगाए थे, 1 से लेके 5 तक चला था, 6th वाले पे वो फॉल्स हो गया था. सो अगर आप चाहते हो कि 3rd वाले कंडीशन का जो भी रिजल्ट है वो आपको प्रिंट नहीं करना है, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, उसके बाद डायरेक्टली 4th 5th का प्रिंट होना चाहिए, तो आप 3rd वाले कंडीशन के बाद या 3rd वाला आइट्रेशन जब भी होगा, वो आप स्पेसिफिकली कंडीशन मेंशन कर सकते हो कि ये आइट्रेशन जब भी होगा देन कंटिन्यू. कंटिन्यू मतलब ये आइट्रेशन को स्किप करो, इसका जो भी रिजल्ट है वो स्किप करो, सीधा नेक्स्ट आइट्रेशन पे जाओ. तो 1 का जो भी रहेगा, 2 का जो भी रहेगा, वो सब रिजल्ट प्रिंट होगा, 4 का और 5 का भी होगा, सिर्फ 3 का नहीं होगा. वेयर एज इफ यू राइट ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर दिस, इट मींस कि ये एग्जीक्यूट होने के बाद ये स्टेटमेंट जब एनकाउंटर होगा तो वो इसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा. वेयर एज कंटिन्यू में क्या होगा, वो सिर्फ 3 का जो आइट्रेशन है वो स्किप करेगा और 4 5 से वापस चालू करेगा. सो विल अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ अ बेटर प्रोग्राम. या मेरा प्रोग्राम टू इलस्ट्रेट बिटवीन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट. तो डिफरेंस क्या है, प्रिंट द लूप विद ब्रेक प्रोड्यूसेस आउटपुट एज, यानी फॉर, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, आई इन रेंज 1 to 11, यानी 10 बार ये लूप चलना चाहिए, यानी 1 to 10 नंबर आप प्रिंट करने जा रहे हो, बट उसमें भी अपने कंडीशन लगाया है इफ आई मॉड 3 इक्वल्स टू 0, यानी कोई भी नंबर मॉड 3 किया, यानी 3 मॉड 3 ही 0 आएगा, उसके अलावा कुछ भी 0 नहीं आएगा. तो आई का जो भी वैल्यू है अगर मॉड 3 किया और रिमाइंडर सपोज 0 आया, फॉर एग्जाम्पल दूसरा 9 भी है, 3 3 इज 9, सो ऐसा जो भी मॉड 3 कर रहे हो, जो भी मॉड 3 कर रहे हो उसका अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है देन वो ब्रेक कर दो. ब्रेक कर दो मतलब क्या, वहां पे ही स्टॉप कर दो, वरना आई को प्रिंट कर दे जाओ. सो इफ यू सी द लूप विद ब्रेक विल प्रिंट ओनली 1 एंड 2. व्हाई इट विल प्रिंट 1 एंड 2, बिकॉज 1 मॉड 3 इज नॉट 0, सो इसलिए उसने प्रिंट किया. 2 मॉड 3 इज अगेन नॉट 0, तो उसने प्रिंट किया. 3 मॉड 3 करते हो तो रिमाइंडर 0 मिलता है, तो ब्रेक कर दिया मतलब वो सीधा लूप के बाहर आ गया. दैट्स इट. So that is how loop with break work. Whereas the same code when you write for continue, it says कि जब जब divisible by 3 होगा, यानी remainder 0 आएगा, तो सिर्फ वो values skip करो, वो values print नहीं होनी चाहिए. तो अगर आप continue का output देखोगे तो आपको 3 9 ये सब चीजें नहीं दिखेंगी. See 1 2 3 is not there, 4 5 6 is not there because 6 is also divisible, 7 8 9 is not there because 9 is also divisible by 3. So continue क्या करता है कि हमने यहाँ पे जो condition mention की है वो condition satisfy हुई तो वो iteration skip करता है, यानी उसका value print नहीं करेगा. So I hope the difference between break and continue is clear. ये बहुत important है exam point of view से भी. Please make sure you go through it well. And अगर कुछ doubts आता है, कुछ issues आता है तो let me know.
इफ पॉसिबल प्लीज प्रैक्टिस दिस ऑन योर लैपटॉप, जितना प्रैक्टिकली करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा।